हेलो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि आपने एपी के एंड्रॉयड स्टूडियो में बिल्ड कैसे करनी है और इसको नेविगेट कैसे करना है, और इसको आप अगर गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करना चाहते हैं तो आपको एपी के रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने एपी के बिल्ड कैसे करनी है। तो उसके लिए आपको बिल्ड पे जाना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ से आपको बिल्ड एपीके या बिल्ड बंडल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बिल्ड एपीके। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी एपीके बिल्ड हो जाएगी। और इसको आप या तो बिल्ड एपीके, आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लोकेट हो जाएगी, या एनालाइज करना चाहते हैं तो एनालाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से लोकेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो विद इन सेकेंड आपको वो लोकेशन मिल जाएगी जहाँ पे आपकी ये वाली एपीके पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप रन टाइम पे इस नोटिफिकेशन को पिक नहीं कर पा रहे तो उसके लिए ये है कि आप इसको क्लोज करें और आप अपने फाइल में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं ये हैं, जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट डिवेल्प करके रखे हुए हैं, जो लोकेशन दी थी उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐप पे क्लिक करेंगे, और क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बिल्ड किया है तो बिल्ड के फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आउटपुट्स पे जाएंगे। यहाँ पे आपको दो फोल्डर मिलेंगे, एक तो लॉग फाइल्स होंगी, यहाँ पे आपको कंप्लीट लॉग फाइल एक रिपोर्ट मिल जाती है। और अगर आप एपी के यहाँ से देखना चाहते हैं तो एपी के पे क्लिक करेंगे और इसमें डिबग पे जाएंगे तो आपको पास ये स्टार्ट में ऐप डिबग डॉट ए पी के आपको मिल जाएगी। ये एपी के आपकी रेडी है, आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में इसको इंस्टॉल करके एंड्रॉयड में चेक कर सकते हैं। और इसको अगर आपने गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करना है तो भी आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, देखने के लिए शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।